Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP Resonance Kota. So today we will start the second lecture of light. So first topic hai, number of images formed by two inclined plane mirrors. It is a topic, first topic. These are the plane mirrors. Okay, this is mirror M1, this is mirror M2, they are inclined at angle theta. Okay, an object is placed here, object. Then how many images will formed? So first of all, find n, that is 360 divided by theta in degree or 2 pi y theta in radian. किसी से भी find कर लीजिए. अब how many number of images formed depend करेगा the value of n. तो there will be following cases. Number case first, if n is even, for example theta is 90, then n will be 4, that is even. Then number of images formed will be n, and seen will be n minus 1. कैसे होगा आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए. If theta is 90 degree, then what is n? 360 degree divided by 90 degree, that is 4, it is even. अब ऐसे बना रहा हूँ, देखिए. It is a mirror M1, it is mirror M2, an object is placed at this point, object. This distance is x and this distance is y. How many images will be formed? तो देखिए जरा, think about this M1. Y पर है तो same distance पर बनेगा I1, first image formed by M1. ये distance भी कितना होगा Y. ये x distance पर बनेगा, it is second image I2 formed by M2. Distance will be x, same. Okay, now we can extend this mirror. ऐसे extend कर सकता हूँ. It will be have, देखिए ये form किसने किया था, M2 ने. तो now it will be have as an object for M1. तो M1 से होगा तो इसका एक same distance y पर बनेगा, it is also y, it is third I3. Is it clear? अगर मैं इस mirror को extend करूँ तो this image is formed by M1, but it will be have as an object for M2. ये distance x, तो same x पर बनेगा ये. Here will be I4. Number of images formed will be 4. अब देखिए, ये दो इमेज एक ही पॉइंट पर बन रही हैं, I3 एंड I4. ओवरलेप होंगी तो एक्चुअली फॉर्म हो रही हैं I1, I2, I3 एंड I4. 4 फॉर्मड. एंड सीन कितनी है, ये तो मुझे एक ही दिखेगी ना, ओवरलेप हो रही हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेकंड केस देखिए जरा. व्हाट इज सेकंड केस? इज द फर्स्ट केस. केस सेकंड देखिए जरा. केस सेकंड, इफ एन इज ऑड, देन देयर विल बी टू केसेस. नंबर फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल. तो मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, देखिए. चलिए ऐसे रखा हुआ है, इट इज एम वन, इट इज M2, एंगल इज थीटा, इट इज बाइसेक्टर. ओके, इट इज थीटा वाई टू, तो बाइसेक्टर हो गया ना. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर,
of the angle, then number of images formed n and seen, again वही n minus as in even. अब इसका बी पार्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एल्सवेयर मीन्स अदर देन वाई सेक्टर, ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल एम वन, इट इज एम टू, दिस एंगल इज थीटा, ओके इट इज वाई सेक्टर, इट इज थीटा वाई टू, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एंड सीन दैट्स एन, जितनी है उतनी होगी. अब एक केस और हो सकता है, देखिए एड ऑड इवन हो गया ना, थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस, केस थर्ड, इफ एन इज इन फ्रैक्शन, एन फ्रैक्शन देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी मैक्सिमम इंटीजर एज n is equal to 3.4, then number of images seen or formed, how much? 3, greatest integer, maximum is greatest integer, is it clear? इसका एक method और बता सकता हूँ मैं, देखिए जरा और मेथड से देखिए जरा. ऐसे एक्चुअली क्या होता है, नोट में लिख लीजिए, ऑल इमेजेस विल फॉर्म ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हूज सेंटर whose center will be at intersection point of mirrors, point of mirror. For example, देखिए ये is the mirror, okay? This angle is 60 degree, object is placed here, it is M1, इट इज एम टू, मान लेता हूं ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये 30 डिग्री पर, तो याद रखना ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये डिस्टेंस होगा, इतनी डिस्टेंस पर इधर बनेगा, दिस एंगल इज 30, दिस विल ऑल्सो बी ये आई वन, अब एक इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, इट इज एक्स, दिस ऑल्सो एक्स, इट इज वाई, हियर विल ऑल्सो बी अ डिस्टेंस वाई, हियर इमेज, तो ये जो बनेगा दैट विल बी ए सर्कल, और भी इमेज बनेंगे, ऑल इमेजेस विल फॉर्म्ड ऑन द सर्कमफेरेंस, हमेशा इसी पर बनेंगे, ओके अगर यहां आएगा ये ऐसे पॉइंट्स बनेंगे, ऑल इमेजेस विल बी ऑन द सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस होगा इसका, ओके नाउ वी कैन नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उस इसी टॉपिक को दूसरे मेथड से फाइंड करते हैं, टॉपिक यही है, क्या होगा देखिए, इट इज मिरर एम वन, इट इज मिरर एम टू, क्लियर, सपोज थीटा इज, ऐसे लिखिए, इट द क्वेश्चन that is m1, it is m2, this angle is, चलिए 60 degree, is it clear, object is placed
एट दिस पॉइंट वाई सेक्टर पे है 30 डिग्री ऑब्जेक्ट। चलिए एम वन से कितना एंगल बना रहा है 30, अगर ऐसा नहीं करूं तो भी कर सकता हूं मैं, चलिए ये 20 पर रख लेता हूं मैं, 40 डिग्री ओके, यहां रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। तो देखिए क्या करेंगे आप, इट इज एम वन इट इज एम टू, इज क्लियर। देखिए व्हाट इज द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट दिस लाइन बाय दिस विद मिरर एम वन, एम वन के साथ कितना बना रहा है 40 डिग्री, इसके साथ कितना बना रहा है ये हाउ मच 20 डिग्री, इट इज 20 डिग्री ओके। अब ऐड कर दीजिए इसमें कितना एंगल इनके बीच 60, क्या बनेगा ये 100, इसमें भी ऐड कर दीजिए प्लस 60, कितना हुआ 80। जब तक ऐड कीजिए जब 180 न हो जाए, 180 से लेस रहे ओके। चलिए इसमें ऐड कीजिए प्लस 60, कितना आया 140, इसमें भी ऐड कीजिए प्लस 60, दैट इज हाउ मच 160। अब अगर ऐड करूंगा तो इट विल ग्रेटर देन 180, मस्ट बी लेस देन 180। तो हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म्ड, 1 2 3 1 2 3, सिक्स इमेजेस फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड ओके। अब मुझे ये देखना है, अगर मैं ये और ये ऐड कर दूं प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, इफ 160 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 140 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स, इट बिकम 360 डिग्री, देन वन इमेज विल ओवरलेप, एक इमेज ओवरलेप कर जाएगा, इज इट क्लियर, वन इमेज विल ओवरलेप। अब यहां ऐड करके देखिए जरा कितना आ रहा है 160 प्लस 140 प्लस 60 डिग्री, इट इज हाउ मच 200 360। सो इमेजेस फॉर्म्ड दैट 6 1 2 3 4 5 6 एंड सीन दैट इज 5, सेम वही हो गया। वैसे भी फाइंड करें तो 360 डिवाइडेड बाई 60 हाउ मच 6 इवन, सो नंबर ऑफ इमेजेस सीन 5 फॉर्म्ड 6। किसी भी मेथड से फाइंड कीजिए इट विल बी द आंसर, चाहे पहले वाले मेथड से। याद रखना जो एंगल फॉर्म हो रहा है 40 डिग्री विद एम वन 20 डिग्री विद एम टू, तो वही लिखा है एम वन से 40 60 ऐड करते जाइए जो एंगल के बीच का मिरर के बीच का एंगल है, और तब तक ऐड करना है ये 180 से लेस रहना चाहिए, ग्रेटर नहीं। अब कितने इमेज 1 2 3 फॉर्म बाई एम टू 1 2 3 फॉर्म बाई एम वन, टोटल नंबर 6। अब ये जितना लास्ट बच रहा है दिस प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करूं, इफ इट बिकम 360 देन वन इमेज विल ओवरलेप, इज इट क्लियर, अदरवाइज नो इमेज विल ओवरलेप, इज इट क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और, वन क्वेश्चन देखिए, दीज आर द थ्री मिरर्स, इट इज एम वन इट इज एम टू इट इज एम थ्री, ए ऑब्जेक्ट सेंटर सी, हियर इज ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म एंड हाउ मेनी विल बी सीन, कितनी ओवरलेप, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एंड नंबर ऑफ इमेजेस
will overlap कितनी ओवरलैप करेंगे कितनी फॉरन होगी. तो थिंक अबाउट दिस पेयर बाई एम वन एंड एम टू. एम वन एम टू हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? सिक्स. सिक्स इमेजेस. और इट इज इवन बिकॉज एन इज इक्वल टू 360/60. दैट इज हाउ मच? सिक्स इवन. सो वन विल ओवरलैप. क्लियर? अब नाउ पेयर दूसरा लीजिए बाई एम टू एंड एम थ्री. अगेन सिक्स इमेजेस. सिक्स इमेजेस सेम कंडीशन. वन विल ओवरलैप. क्लियर? नाउ बाई एम वन एंड एम थ्री सिक्स इमेजेस. वन विल ओवरलैप. Is it clear? How many images formed? 16, 6 plus 6 plus 6. So 6 plus 6 plus 6, 18 images will form. अब आपको ये बताना है ओवरलैप कितनी करेंगी. तो आप देख रहे हैं कितनी ओवरलैप करेंगी. मैं इसको रब करके देख लूँ. यहाँ से देखिए इसकी इमेजेस बनेंगी तो एक तो यहाँ ओवरलैप करेगी. ओवरलैप एक इसकी भी तो ओवरलैप करेगी. यहां पर ओवरलैप एक इसकी भी ओवरलैप करेगी. हियर इज ओवरलैप. इज क्लियर और नॉट? अब सोच के देखो ना. पहले ये बनाया था मैंने हाउ मेनी इमेजेस. सेंटर ये है इसका. ऑल द इमेजेस विल फॉर्म ऑन ए सर्कल. एक सर्कल पे फॉर्म होंगी वो. क्लियर? ऐसे सर्कल बन रहा होगा ये. फर्स्ट वाले का सेकंड का भी तो ऐसे ही बन रहा होगा ना. और थर्ड वाले का भी कुछ ऐसा ही बन रहा होगा. इस पेयर का भी देखिए एक इमेज ये ओवरलैप थी, एक ये वाली थी, एक ये वाली ओवरलैप थी. यहां भी तो ओवरलैप हो रही है ना. यहां भी ओवरलैप होगी और यहां भी ओवरलैप होगी. तो हाउ मेनी? सिक्स इमेजेस विल ओवरलैप. फॉर्म 16, सिक्स विल ओवरलैप. क्लियर है? मीन्स 12 विल सीन. तो अब आगे देखिए. नाउ द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल they are of two types. Number one is concave mirror or second is convex mirror. Concave means it is also known as converging mirror. It is diverging mirror. ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है. अब देखिए ज्योमेट्री ऑफ मिरर. सोच के देखिए. एक तो मैंने ये ग्लास का हॉलो स्फीयर लिया. ग्लास का हॉलो स्फीयर. ओके, ये वाला पोर्शन ले लूं मैं और यहां पॉलिश कर दूं. ओके, इट विल बी द मिरर. ये मिरर होगा. कॉनकेव का मतलब केव टाइप. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इट इज पॉलिश्ड. पॉलिश्ड सरफेस. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. इट इज मिरर कॉनकेव. चलिए एक और बनाता हूं. अगर मैं ऐसा ले लूं, ओके, ये पोर्शन लिया मैंने ए से लेके बी तक का. अब पॉलिश मैंने इधर किया
तो इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इट इज पॉलिश्ड सरफेस. इसका सरफेस है वैक्स कॉन्वैक्स टाइप, बाहर की तरफ निकला हुआ है, सो इट इज कॉन्वैक्स मिरर. ये अंदर की केव टाइप है, सो इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर. अब ज्योमेट्री का क्या मतलब है, देखिए हाउ मेनी डेफिनेशन. इज द सेंटर सी, इसका सेंटर यहां होगा, क्लियर. तो सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ द स्फीयर हूज मिरर इज द पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाई सी, लिखने की जरूरत नहीं है. सेंटर ऑफ द मिरर हूज सेंटर ऑफ द स्फीयर हूज मिरर इज द पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सी. इज इट क्लियर? ओके. नंबर टू पर देखिए, पोल मिड पॉइंट ऑफ मिरर, पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल, ये वाला मिड पॉइंट, इट इज पोल पी, ए पोल, ये भी पोल होगा, क्लियर. एट द पोल. अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस. हियर इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग C and P pole is known as principal axis. Is it clear? चलिए fourth देखिए, radius of curvature, of curvature. That's capital R. It is the radius of curvature. ये वाली ले लूँ, it is R. It is also that is R. So the radius of the sphere whose mirror is the part is known as radius of curvature, denoted by capital R. The radius of sphere whose mirror is the part is known as रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स आर. इट इज ज्योमेट्री. अब कुछ पॉइंट्स और हैं, देखिए सबसे पहले लूंगा मैं फोकस पॉइंट. व्हाट इज द फोकस पॉइंट? Point. We have to define separately for convex and concave. Clear? कैसे define करें? तो देखिए, the rays parallel to principal axis, the rays parallel to principal axis after reflection from mirror either they will meet at principal axis ये होता है for concave mirror or will appear to meet diverge from a point
on the principal axis. This point is known as principal axis, sorry, principal focus, yeah, simply focus. This point is known as focus point. That's F. तो इधर देखिए जरा, ये वाला मिरर है, कौन सा है मिरर? इट इज कॉनकेव, ओके, एट द पोल, एट द फोकस पॉइंट एफ. कैसे फाइंड करूंगा मैं? रेज ऐसे आ रही थी पैरल, अब जैसे ये भी आ रही थी तो ये तो वापस लौटेगी, ये यहां से पास होगी इस पॉइंट पर. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट. अगर ये मिरर है इस टाइप का है, व्हाट विल हैपन? ये है कॉन्वेक्स, ये पोल, ओके, रेज ऐसे आ रही थी तो दे विल डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज होंगी, पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा लगता है यहां से आ रही होंगी. ओके, इज इट क्लियर? ऐसा क्यों हुआ बता सकते हैं आप? सेंटर कहाँ होगा इसका? सी इधर होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी सी इधर होगा, सी. थोड़ा सोच के देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को, रे यहां स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट को सी से कनेक्ट कर दूं तो इट विल बी नॉर्मल. क्या होगा ये आई, हियर विल बी आर, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम थिंग, क्लियर? इट इज नॉर्मल. तो इट इज फोकस पॉइंट, हियर इज फोकस पॉइंट एफ, क्लियर? नाउ द फोकल प्लेन, फोकल अब देखिए, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, बट पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल प्लेन. ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल प्लेन. अब मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए चलिए यही बनाता हूं, एक केली बनाऊंगा मैं. इट इज फोकस पॉइंट, इट इज पोल, हियर इज सी, हियर इज एफ. प्लेन कुछ इस टाइप का होगा, इट इज फोकल प्लेन. मैं चाहूं तो ऐसा भी तो बना सकता हूं ना इसको मैं, ये यहां से पास हो रहा है, ये बना, इट इज फोकल प्लेन, ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल फोकस पॉइंट से पास होता हुआ. इज इट क्लियर? चलिए, इट इज फोकल प्लेन. नाउ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, या इससे पहले और भी ले सकते हैं, अपर्चर, अपर्चर. देखो क्या होता है अपर्चर, मेरा एक्चुअली बताऊं, मिरर ऐसा नहीं होता, मिरर ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, ये कॉनकेव, क्लियर है ना? चलिए, अब ये जो है, इट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द मिरर, सर्कुलर होगा ये, सर्कुलर होगा ये, क्लियर? तो देखो, द यू हैव टू अपर्चर, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये वाला अपर्चर या सेंटर से पास हो रहा है, ये वाली डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल, इट इज सर्कुलर पार्ट. फिर से देखो, ये सर्कुलर पार्ट ऐसे है, सेंटर से पास हो रहा है, ये वाला लूं, सेम एक ही होगा. इसको मैं ऐसे भी तो शो कर सकता हूं, मैं एट द सेंटर ये वाली डिस्टेंस ले लूं, ये वाली ले लूं, इक्वल होगी, इट इज नोन एज अपर्चर. तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ मिरर, ऑफ मिरर
is known as aperture of mirror. Okay, this one, yeah, ye wala, ye dono same thing, it is aperture. ओके चलिए अब लेते हैं फोकल लेंथ. नोटेड बाई स्मॉल एफ. सिंपल द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट is known as focal length, denoted by small f. फिगर बनाता हूँ, देखिए क्या आएगा फिगर. इट इज़ ओके, इट इज पोल, इट इज फोकस पॉइंट, it is C, center of curvature. This length is known as F. But in this case, at the pole, at the focus point, it is C. So this distance will be focal length F. Is it clear? It is focal length. Now, the relation between focal length and radius of curvature. Relation between focal length and radius of curvature. याद रखिए, all the formula in your syllabus, they are correct for paraxial rays. What are paraxial rays? The rays which makes very small angle with principal axis, or we can say the rays near to the principal axis are known as paraxial rays. तो ये देखिए paraxial क्या है, ये वाला mirror मेरा, okay? कौन सा है ये? Concave at the pole. Here is F. चलिए एक ray लेता हूँ, it is parallel to principal axis. It will pass through फोकस पॉइंट, ऐसे पास होगी, इट विल बी फोकस पॉइंट. इज इट क्लियर? चलिए यहां पर है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो इट विल बी द नॉर्मल. ऐसा भी देख लीजिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है, कोई भी पॉइंट ले लूं यहां पर, कोई भी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस एंड कनेक्ट टू सेंटर, तो इट विल बी नॉर्मल. क्यों होगा? यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये नॉर्मल ही तो होगा ना. अगर यहां लेता हूं तो ये टेंजेंट होगी, 90 आएगा, ये भी 90 है, इट इज नॉर्मल. इज इट क्लियर? तो इस एक स्फीयर का पार्ट है, इसको मैंने यहां स्ट्राइक कर रही थी एल पॉइंट पर, मैंने सी से कनेक्ट कर दिया, इट विल बी नॉर्मल. तो दिस एंगल विल बी आई, दिस एंगल विल बी आर. इज इट क्लियर? ओके, because these two rays are parallel and the LC is a transverse, so this angle will be I. Clear? Think in the triangle CFL. You know very well, angle I is equal to angle R. So इस ट्राइंगल में ये और इसका, और इसके सामने की साइड ये, इसके सामने की साइड ये वाली, सो सी एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ एल. इज इट क्लियर? ओके चलिए, अब ये मान लू दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी. क्यों? पैराक्सियल रेज के लिए है. इफ एल इज वेरी क्लोज टू पी, देन ये यहां नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल यहां पर, रेज यहां से फॉल हो रही थी, कुछ ऐसा बनेगा. देखिए ये रेज यहां फॉल हो रही थी, है ना, क्लियर, और यहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी, तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट सेम है, तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेट सेम मान सकता हूं मैं. इट इज एफ,
it is P, it is L. Okay, then these lines, this one and this one must be equal. So FP approximately is equal to FL. A number 1, A number 2. Take it from 1 and 2. इससे और इससे देखिए, इट इज सी एफ एफ एल एफ पी एफ एल, इसमें सी एफ इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू एफ पी, और यू नो वेरी वेल दैट इज एफ पी. व्हाट इज एफ पी? इट इज एफ एंड इट इज आर, दैट विल बी इक्वल टू एफ. अब नाउ थिंक फ्रॉम द फिगर, फिगर से देखिए, मैं लिख सकता हूँ सी पी, बिकॉज ऑफ सी पी इज इक्वल टू गया सी एफ प्लस एफ पी, और सी पी है आर, ये है एफ, ये है एफ, तो व्हाट इज आर? 2f, और एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, इट द फोकल लेंथ. इफ बी इंक्रीज द रेडियस देन फोकल लेंथ विल इंक्रीज. क्लियर? इफ बी डिक्रीज द फोकल, मतलब रेडियस, देन फोकल लेंथ विल डिक्रीज. इट इज करेक्ट फॉर बोथ द मिरर्स, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स. इज इट क्लियर? अब देखिए कुछ नोट में लिख देते हैं. नोट, फोक रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर. देखिए ये मेरा कॉनकेव है, ये कुछ स्फीयर का पार्ट होगा ना, तो इसका कुछ तो रेडियस होगा ना. अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा, और एकदम प्लेन कर दूं तो रेडियस बिकम्स इनफाइनाइट. तो रेडियस बिकम्स इज इनफाइनाइट. सो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ओके, दैट विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट. अब एक चीज और देखिए, नंबर वन पॉइंट है. नंबर टू में देखिए, इफ वी इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ मिरर, बता सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेडियस? इफ वी इंक्रीज द कर्वेचर देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ? देखिए ये है मिरर मेरा, अगर मैं इस मिरर को ऐसा करता जाऊं तो कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है बट रेडियस कम हो रहा है. फिर से ऐसा कौन के मिरर था या कॉन्वेक्स था, अगर मैं ऐसा करता जाऊंगा तो कर्वेचर तो इंक्रीज हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है इसका? डिक्रीज हो रहा है. तो ऑन इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ द मिरर, इट्स रेडियस विल डिक्रीज. कर्वेचर को इंक्रीज करूंगा, याद रखना ये पॉइंट. मैं ऐसे कर सकता हूं, ये है एक मिरर और एक ये मिरर, ये मोर कर्वेचर, इट्स अ लेस कर्वेचर, ओके, ऐसा लिया मैंने ये वाला. तो मैं यहां कह सकता हूं, ये ऑन इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ द मिरर इट्स रेडियस विल डिक्रीज, सो इट्स फोकल लेंथ विल ऑल्सो डिक्रीज. इसका अपोजिट भी लिख सकता हूं, ऑन डिक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ मिरर इट्स रेडियस डिक्रीज कर रहा हूं कर्वेचर का, मतलब ऐसे करता जा रहा हूं रेडियस विल इंक्रीज, हैंस इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज. इज इट क्लियर? चलिए, इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड नाउ द इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन
my spherical mirror spherical mirror, or we can say important rays for image formation. This is the topic. तो सबसे पहले लेते हैं नंबर वन, ये दोनों के लिए लेते हैं. देखिए इट इज द कौन सा मिरर है मेरा, इट इज कॉनकेव. चले यहां भी बना लेते हैं, इट इज कॉनवैक्स एट द पोल. हियर इज फोकस पॉइंट, हियर इज सी. तो कन्फर्म ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल होगा बिकॉज एफ इक्वल आर बाई टू. यहां लेता हूं मैं, देखिए इट इज एफ, इट इज सी. फॉर्म बी इक्वल कीजिए, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. तो फर्स्ट रे क्या है, फर्स्ट रे देखिए, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट. यहां से पास होगी ये, इट इज नंबर वन. यहां भी लेता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जा रही थी, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ये, पीछे एक्सटेंड करूंगा ऐसा लगता है यहां से, इट इज नंबर वन. दीज आर द इंपॉर्टेंट रेस. ओके चलिए सेकंड फिगर बताता हूं. पहली रे है ये, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव फ्रॉम फोकस पॉइंट और एक्सटेंडिंग, इट विल ऐसा लगता है कि ये फोकस पॉइंट से मूव कर रही हो, फर्स्ट रे. सेकंड रे देखिए जरा, चलिए इसी बनाते हैं सेकंड रे. सेकंड रे इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, अगर कोई फोकस पॉइंट से जा रही है तो इट इज टू इट बिकम्स पैरेलल. सेम थिंग, फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है ये, देख लीजिए इधर फोकस पॉइंट से ही पास हो रही है तो यहां तो क्रॉस कर नहीं सकती, ऐसा लगता है ये इधर से जा रही हो, इट बिकम्स पैरेलल. तो ये ऐसे हो जाएगी, एरो है केवल, इट इज टू, इज इट क्लियर. थर्ड देखिए जरा, इट इज नंबर टू. थर्ड देखिए जरा, चलिए इधर से बनाता हूं मैं, इट द मिरर कॉनकेव, इट इज पोल, इट इज एफ, इट इज सी. थर्ड पॉइंट देखिए, सी से पास हो रही है, चलिए ऐसे जा रही थी, यहां स्ट्राइक की तो ये तो नॉर्मल होगा इसका, यहां आई इज टू जीरो होगा तो आर भी जीरो होना चाहिए, एंगल आई तो ऐसे पास हो रही है, यही से पास हो जाएगी. अब देखिए यहां बनाना है मुझे, इट इज पोल, इट इज एफ, इट इज सी. ओके कहीं से भी फॉर्म कर सकते हैं आप. चलिए रे ऐसे जा रही थी, आगे जा नहीं सकती है ना, ऐसे जा रही थी, यही नॉर्मल होगा, इट विल पास, इट इज थर्ड. ये भी थर्ड, थ्री रेस. ओके एक और देखिए, फोर्थ, अगर ये पोल पे फॉल हो रही है किसी एंगल पे आई तो उसी एंगल से निकल जाएगी, इट इज आर, इट इज फोर्थ. सेम यहां देखिए, अगर किसी एंगल पे पोल पे फॉल हो रही है आई पर तो इधर निकल जाएगी, सेम एंगल पर आर पर, इट इज फोर्थ. दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट रेज टू फॉर्म द इमेज बाई कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव मिरर. फिर से देख लीजिए एक बार, फर्स्ट रे है, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर दे विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट और अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द फोकस पॉइंट. ये कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉनकेव के लिए. सेकंड रे है, अगर फोकस से जा रही है इट बिकम्स पैरेलल, फोकस की तरफ जा रही थी इट बिकम्स पैरेलल, आगे तो क्रॉस कर नहीं सकती थी, डॉट डॉट से शो किया है मैंने. थर्ड देखिए, अगर सी से पास हो रही है तो यही नॉर्मल होगा इसका, क्योंकि सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट अगर सी से कनेक्ट करूं इट विल नॉर्मल, तो आई इज गोस टू आर, आई जीरो आर जीरो, तो इट विल रिट्रेस द पाथ. सेम थिंग थर्ड भाई, यहां से
सी की तरफ जा रही थी, आगे पास नहीं हो सकती, डॉट डॉट से शो किया है, बाकी इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है, अगर पोल पर ही फॉल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आई पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट इज द फोर, सेम थिंग हियर, आई एंड आर, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट रेज, विद द हेल्प ऑफ एनी टू वी कैन फॉर्म द इमेज बाई द मिरर, बाई एनी टू वी कैन फॉर्म द इमेज। ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। अब क्या क्या पोजिशन लूंगा पहले देख लीजिए आप। ये है मिरर मेरा, ये पोल, ये एफ, ये वाला सी। सबसे पहले लूंगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है, फर्स्ट पोजिशन। इमेज कहां पर फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट यहां पर है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहां फॉर्म होगा। थर्ड चलो सी पे ही रख देता हूं मैं, अब इमेज कहां फॉर्म होगा। फोर्थ वाला लूंगा, इधर और शिफ्ट किया मैंने, इधर रख दिया फोर्थ पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां फॉर्म होगा, कैसा होगा। फिफ्थ पर लेता हूं मैं, इट इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट, और सिक्स ले रहा हूं मैं, इट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। दीज आर द सिक्स केसेस इन विच यू हैव टू फॉर्म द फिगर, इमेज फॉर्म्ड, और आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट केस देखिए, केस वन, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऐसा है देखिए, रहा थोड़ा सा सोच के देखिए, रहा ये वाला इन्फिनिटी पर है, ये पोल, ये एफ और ये वाला सी, रेज ऐसे आ रही हैं पैरल, तो यहां से फॉल होगी वो तो वापस लौटेगी, ये से होगी कहां से होगी, इट विल पास, फर्स्ट रूल याद होगा आपको, फर्स्ट रूल, ये फोकस पॉइंट, हियर विल बी द इमेज। ओके, इमेज विल बी एट फोकस पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज फॉर्म होगा इसका। इट नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि रेज विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, रेज तो पैरेलल हैं बट दे आर म्यूचुअली पैरेलल, ऐसे आ रही है रेज, देन व्हाट विल हैपन, ये सेम एंगल पर यहां से फॉल होगी, यहां से जाएगी, आई एंड आर इक्वल, और ये भी यहां से पास होगी, हियर विल बी द इमेज। याद रखना, इट विल बी फोकल प्लेन, फोकस पॉइंट, और ये क्या होगा, ये फोकल प्लेन, फोकस पॉइंट विल ऑलवेज बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो सेम थिंग, इमेज विल बी एट फोकस पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रियल इमेज, व्हेन वी कैन कॉट द इमेज ऑन द स्क्रीन, देन इट विल बी रियल इमेज, और वी कैन से बाई कन्वर्जिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, कन्वर्ज हो रही है दैट इमेज विल बी रियल, डाइवर्ज हो रही है दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी कॉट ऑन स्क्रीन। चलिए, इट द फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड देखिए, सेकंड में ले रहा हूं मैं ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी टू सी, टू पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये देखिए जरा, ये वाला केवल कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम, दिस पोल, हियर इज एफ, हियर इज सी, चलिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इट इज ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट
आपको याद है फोर रूल्स. फर्स्ट रूल, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्स इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट. पहला रूल है नहीं, ये फर्स्ट रूल. सेकंड रूल जो चाहे ले सकते हैं आप. चलिए सेकंड वाला ये लेता हूं, यहां से पास हो रही है एफ से. इट बिकम्स पैरल. यहां कट हो रही है, हियर विल बी द इमेज ए डैश बी डैश. ये इमेज, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ऐसे थी ना अब ऐसे बन रही है. डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड. एंड बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच बनेगा ये सी और ये वाला एफ, यहां इमेज बन रहा है. इज इट क्लियर? द सेकंड पॉइंट. अब देखिए थर्ड, देखिए और इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं. याद रखना पहले बहुत छोटी थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई इमेज. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द मिरर, इमेज का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. चलिए थर्ड पॉइंट देखिए. थर्ड, ऑब्जेक्ट इज एट सी. याद रखना साइज इंक्रीज हो रहा है, पहले बहुत छोटा था. तो देखिए ये वाला मेरा कॉनकेव एट द पोल, हियर इज एफ हियर इज सी. चलिए यहीं पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इट इज ए बी ऑब्जेक्ट. तो वही फोर रूल्स, टेक एनी टू. फर्स्ट ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बिटवीन विल पास थ्रू फोकस पॉइंट, यहीं से पास होगी ना. सेकंड, चलिए यही वाली लेते हैं हम जो एफ से ही पास हो रही है. एफ से पास हो रही, इट इज एफ, इट बिकम्स पैरल, यहां कट हो रही है, हियर विल बी द इमेज, इन्वर्टेड उल्टी बन रही है. जो ये था वो ये, सेम, इट इज इमेज विल बी एट सी, सी पर ही रखा था, सी पर ही बन रहा है इमेज. रियल इन्वर्टेड उल्टी बन रही है ना. एंड ऑफ सेम साइज, एंड ऑफ सेम साइज, सेम साइज की फॉर्म होगी. याद रखना जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था बहुत छोटी बन रही थी, जब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द मिरर इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा है, जब सी पर पहुंच गई तो सेम साइज का बन रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए. फोर्थ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, और मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, यहां ले आया फोर्थ पॉइंट पर. देखिए क्या आएगा, इट द पोल, हियर इज एफ हियर इज सी. चलिए ऑब्जेक्ट ही यहां रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट. चलिए एक रे ले रहा हूं. फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस पॉइंट. एक एफ से ले लो, नहीं ले सकते हो, कहीं से भी ले लो, सी से ले लो, आप सी से भी ले सकता हूं, सी ऐसे जा रही है, इट विल मीट, कहां पर मीट होगी, नहीं ले सकते हो. चलो एक और ले लेता हूं, दूसरी वाली. चलिए यहां से जा रही है, इट इज आई, तो सेम एंगल पे ये पास होगी, इट इज आर, हियर यहां मीट कर रही है, हियर विल बी द इमेज, ए डैश बी डैश, इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, बड़ी बन रही है. ऑब्जेक्ट ये था, इससे बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड. एंड बिटवीन या बियॉन्ड, एंड बियॉन्ड सी, सी के बाद बन रही है, सी ये पॉइंट है, इधर बन रही है. तो याद रखना अभी तक सारी की सारी रियल इमेज बन रही थी,
जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ था तो छोटी बन रही थी, डिमिनिश थी, और सी पर आ गया तो सेम साइज हो गया। अब और इंक्रीज किया तो साइज बढ़ गया, इमेज का ग्रेटर हो गया साइज ये वाला, ओके ऑब्जेक्ट से बड़ा है। फिफ्थ पॉइंट देखिए जरा, फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट, फोकस पर ही रखा है ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म करता हूं, देखिए ये वाला मिरर, एट द पोल, एट द फोकस पॉइंट, इट इज सी, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। थोड़ा गौर से देखिए जरा, इट इज ऑब्जेक्ट एट सी। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट से ही पास होगी, यहीं से पास होगी, ऐसे पास होगी, इट इज क्लियर। चलो एक रे कौन सी लूं बताइए, सी वाली ले लूं, सी वाली यहां से पास हो रही हो, या यहां से ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप, एंगल आई और ये एंगल आर, दे बिकम्स पैरेलल, मीन्स इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। याद रखना पैरेलल इन्फिनिटी पर हम लेंगे, मैथ्स में नहीं मानते हम, है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये फिजिक्स मानते हैं, पैरेलल रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। अब इसका एग्जांपल क्या देते हैं हम, रेलवे ट्रैक है, आप खड़े हो जाओ, सीधा जा रहा है रेलवे ट्रैक, आप खड़े होकर देखो तो ऐसा लगेगा बहुत दूर जाके दे मीट, बहुत मिल रही हैं, एक्चुअली मिल नहीं रही हैं, दे अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत मैग्नीफाइड बनेगी। देखिए इन फोर केस, फाइव केसेस में इमेज इज फॉर्म रियल, और रियल में मैग्नीफाइड भी बन रहा है और डिमिनिश्ड भी बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो डिमिनिश्ड है, और ऑब्जेक्ट पास में लाया तो मैग्नीफाई होगी, बड़ी बनने लगी। अब यहां देखिए, दिस सिक्स्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट F, ये इधर देखिए, इट इज ऐसे है मिरर, ऐसे ही मान लूं मैं, इट द मिरर कॉनकेव, इट द पोल, हियर इज F, हियर इज C, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट A B। इमेज फॉर्म करना, देखिए फर्स्ट ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू, कहां से पास होगा ये, फोकस पॉइंट, यहां से पास हो रही है, ओके फोकस पॉइंट से पास होगा। एक रे और ले रहा हूं, चलिए सी से ले लूं रे, थोड़े अलग कलर से बना रहा हूं, सी पॉइंट ये देखिए, यहाँ से मैच किया मैंने, और याद होगा सी से जो जा रही है ऐसे जाएगी वापस लौटेगी, ऐसा लग रहा है कि आगे मिल सकती है ये, दे विल डाइवर्ज, आगे मिल ही नहीं सकती कहीं पे, तो क्या करूँगा मैं, पीछे एक्सटेंड करूँगा, डॉट डॉट से एक्सटेंड किया है मैंने, ऐसा कर रहा है यहाँ से जा रही है, हियर विल बी द इमेज, इमेज इमेज विल बी कैसा होगा, विल बी वर्चुअल, एक्चुअल में थोड़ी मिल रहा है, डाइवर्ज हो रही है, पीछे एक्सटेंड किया है, वर्चुअल मैग्नीफाइड, ओके मैग्नीफाइड बिहाइंड द मिरर, मिरर मिरर के पीछे, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी बन रही है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे याद रखना आप, टू नोट, देखिए क्या याद रखना है, टू लर्न,
टू लर्न, कॉनकेव मिरर, मे फॉर्म फॉर्म, रियल और रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रियल इमेज विल बी, रियल इमेज विल मे बी डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड, दोनों ही हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, डिपेंडिंग ऑन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर डिपेंड करेगा, बहुत दूर है छोटी बनेगी, पास में लाओगे तो ये मैग्नीफाइड होती जाएगी। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, कॉनवैक्स मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन याद रखना फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऐसा नहीं कहना वर्चुअल है। दीज आर द मेन पॉइंट्स बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इट क्लियर। एक और लेते हैं, इमेज फॉर्म बाई फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर, इसके केवल दो ही केसेस हैं, ओनली टू। नंबर वन इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। चलिए इमेज यहां बनाता हूं, इट द मिरर कॉन्वेक्स है ना, हियर इज पोल, हियर इज एफ, हियर इज सी, रेज ऐसे आ रही थी, देख लीजिए इधर, दीज आर द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इज एट इनफिनिटी, तो दे विल बी पैरल, दे मे बी म्यूचुअली पैरल और पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों हो सकती हैं केस। अब याद है आपको इट विल बी द, यहां से कहूं अगर इसको कनेक्ट कर दूं तो इट विल बी द नॉर्मल एंड इट इज आई, इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि ये यहां से पास हो रही हो ऐसे, सेम थिंग ये भी तो यही होगा ना। ये रे आ रही थी इधर पास हो गई, ये रे आ रही थी ये तो ऐसे लौट जाएगी वापस। हियर विल बी द इमेज, इमेज इज एट एफ। अब देखिए एक्सटेंड किया है मैंने ये वाले पॉइंट, ये एक्सटेंड किया तो रियल तो हो नहीं सकती, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज हो रही है, पीछे एक्सटेंड किया है तो इमेज इज एट एफ वर्चुअल, वर्चुअल ओके एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है, इट द केस। नंबर टू देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं भी रखा हुआ, ये पोल है ना इसका, ये तो इन्फिनिटी पे था, आप इसको सोच के देखिए कहां बनेगा। देखिए वी विल यूज द रूल्स, सेम रूल्स फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, हियर इज एफ, हियर इज सी। चलिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ओके ए बी, ये ऑब्जेक्ट मैं ले सकता हूं, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रे जा रही थी, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट को यहां मिला दूं, इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, तो एंगल आई ओके कहां से पास होगी, ये फोकस पॉइंट से,
ऐसे पास हो गई, फर्स्ट रूल था ये। सेकंड रूल जो चाहो आप ले लो, सी से पास होता हुआ होगा, देखिए इधर से जा रहा था सी की तरफ, ऐसे जाएगा वापस से लौटेगा, यहां क्रॉस कर रही है, हियर विल बी द इमेज, ये बन रहा है इमेज ए डैश और बी डैश। तो इमेज इज कैसा बन रहा है, इमेज छोटा ही बन रहा है ना, इमेज इज बिटवीन, इज बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच ही बनेगा, इट इज पोल, ये एफ, पी एंड एफ, ओके। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा याद रखना, ये कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं फॉर्म करता, ओके। तो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, मेरा दोनों से हैं, दीज आर द मेन पॉइंट्स, मेन इमेज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, नेचर साइज पोजिशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आपको लर्न होनी चाहिए।